विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी में शरदकालीन अश्विन नवरात्रों में अष्टमी पूजन की धूम रही और श्रद्धालु पूरी रात दर्शन करते रहे। ज्वालामुखी में हजारों की संख्या में श्रद्धालु अष्टमी नवरात्र के लिए ज्वाला जी पहुंचे। ज्वाला माता को आज विशेष हलवे पूरी व चने का भोग भी लगाया गया। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और अन्य प्रदेशों से भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना और अष्टमी पूजन किया। भक्तों ने मां ज्वालामुखी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया और हलवा पूरी का भोग ज्वाला माँ को लगाया और कन्या पूजन भी किया। पुजारी सभा प्रधान पुजारी अविनेंद्र शर्मा ने बताया कि आज अष्टमी का दिन है और इस दिन महागौरी के रूप में दुर्गा माता की पूजा की जाती है। उन्होंने कहा कि अष्टमी पूजन का विशेष महत्व होता है। अष्टमी के दिन श्रद्धालु ज्वाला माँ को हलवे और पूरी चने का भोग लगाते हैं और बाद में कन्या पूजन करते हैं। इसके अलावा अष्टमी नवरात्र के पावन उपलक्ष पर श्रद्धालु अपने छोटे छोटे बच्चों का मुंडन संस्कार भी करवाते हैं और माँ ज्वाला के जयकारे भी लगाते हैं। पीएलटीवी के लिए ज्वालामुखी से ब्यूरो रिपोर्ट।